Jaya Gopi Jana Vallabha Grivadatham Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Yashoda Nandana Raj Janarandana Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Jayaratha Madhava Kunja Bihar Hari Jayaratha Madhava Kunja Bihar Hari Jayaratha Madhava Kunja Bihar Hari Gopi Jana Vallabha Grivadatha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Grivadatha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Grivadatha Hari Jaya Gopi Jana Vallabha Grivadatha Hari Yashoda Nandana Braj Janarandana Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Vanata Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihar Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihar Hari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Jana Vallabha Grivadatha Hari 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 Yashoda Nandana Braj Janarandana Yashoda Nandana Braj Janarandana Yashoda Nandana Braj Janarandana Yamuna Teda Vanata Hari Yamuna Teda Vanata Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihar Hari Kunja Bihar Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shyam Sundara Hare Jaya Radha Shyam Sundara Hare Jaya Radha Shyam Jaya Radha Shyam Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Gurudeva 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 Jaya Jaya Gurudeva Jaya जय हम सुपात परवा हम सपर वरिचाया स्वता सत शिष्म छिला ऐसी भक्ति विरांत स्वामी छन प्रभुपाद की जय हम सुपात परमा हम सपर गुचाया स्वता सत शिष्म छिला
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कुदी वैष्णववृंद की श्री रूप श्री सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त सरगणाचार्य गोस्वाम प्रभु की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव जरि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपा गोपी गोपीनाचाम कुंद राधा कुंद गिरी गोवदान की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुर धाम की श्री मायापुर धाम की श्री जगन्नपुरी धाम की तुलसी महारानी भक्ति देवी की गंगा यमुनी देवी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री श्री गौनीताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की गौर प्रेम नंदे हरि हरि बो समवेत भक्त वृंद की जय। ओग्लो स्तुरिया सबले बोतिस ओग्लो स्तुरिया सबले बोतिस ओग्लो सु श्री गुरुं श्री गुरंग ओग्लो सु श्री प्रभुपाद। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षेरूपं सागरजातं सहगनारघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरेर्नाम एव केवलं कौलं नास्त्येव 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 गत्यरन्यतां। हरे कृष्ण तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ पर ब्रज में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में उपस्थित हैं और मौका मिला है सेवा करने के लिए ठाकुर जी के। और अभी 3-4 दिन के लिए ठाकुर जी के संबंध में अच्छा अच्छा पद्धति के बारे में कुछ शब्दों बताएंगे। तो काल हमने बताया ठाकुर जी के संबंध में अलग अलग नाम है ठाकुर जी की सेवा। एक इसमें आया है पंचांग पूजा। पंचांग है पूजक है ठाकुर जी की सेवक है। तो पहले अंग कौन सा है? अभिगमन। दूसरा उपदान। तीसरा योग। तो आज इज्जा के बारे में बताएंगे। इज्जा मतलब एक दूसरा नाम है ठाकुर जी की सेवा। इज्जा जो होता है प्रत्यक्ष रूप में, इस मतलब सुबह लेकर जागरण सेवा, रात तक, सायं सेवा तक,
पाँच मिनट के बाद इसके बारे में बताएंगे, जो विधिवत पूर्वक तो करना चाहिए, भाव के साथ प्रीति पूर्वक करना है, प्रभुपाद शास्त्र के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना है। तो और पंचवांग है, इस पंचांग पूजा में स्वाध्याय, स्व अपना अध्याय, अध्ययन शास्त्र का अध्ययन करना है। वैष्णव जो आगे है गुरुजन से, उनके मुख रविंद से भगवत के बारे में श्रवण करना है। इसका अंतर्गत भी है कि मतलब ये हम अच्छा तरह से, तो हमको भजन करना है, मतलब अच्छा तरह से जप करना है, जैसे कम से कम 16 वाला जप करना है। और ये भी है जी, मंदिर में तो सेवा करने के लिए हमको तो दीक्षित होना चाहिए, मतलब ब्राह्मण दीक्षा भी होना चाहिए। और घर पे तो सरल विधि से भी होता है, और वहाँ पर अब घर तो जैसे मान लीजिए भक्त के बच्चे भी सेवा करना चाहता है तो ये भी सहायोग कर सकता है घर पे, लेकिन मंदिर में सिर्फ जो जिनके पास ब्राह्मण दीक्षा है ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और एक बार मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नवद्वीप में मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंग सुंदर घोषित किए थे, अगर आप 100,000 जपनाई कर रहा है तो भगवान आपके भोग ग्रहण नहीं करेंगे। कोई है यहाँ पर 100,000 कर रहा है? यहाँ पर 100,000 कर रहा है, बहुत अच्छा। 100,000 और प्रश्न पूछता है, अच्छा प्रश्न पूछता है, ठीक है पूछिए। 64 64 ये है कि 64 64 माला ये 100,000 से ऊपर है, उसमें आत्मान माला 100,000 लगता है, 100,000 है। तो महाप्रभु ने तो घोषित किया है। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद विस्थापित किए थे, प्रभुपाद के गुरु महाराज अपने गौड़ीय मठ में, कि पुजारी कम से कम पुजारी और जो सन्यासी जो है उनको 64 माला जप करना है, क्योंकि महाप्रभु घोषित किया है। और लेकिन जब प्रचार करते थे सन्यासी लोग, तो उसी समय भक्ति सिद्धांत भी प्रभुपाद बोलते थे अगर कभी कभी ना होता है, कोई बार ना है तो अगले दिन फिर से कीजिए ज़्यादा 100,000 पूजा। लेकिन पुजारी तो प्रयास करना है, लेकिन ये भी मुश्किल था उनके लिए क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पुजारी है ना है, 1400 मंदिर है तो कौन करेगा पूरा सेवा। और प्रभुपाद भी शुरुआत में तो भक्तों को समझाए थे कि सोलमला जाप करना है और दीक्षा मिल गया, ब्राह्मण दीक्षा भी। इसके बाद प्रभुपाद विचार किया भी, जो महाप्रभु ने बोला है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी उनको बताना है, तो सबको बुलाया शुरुआत में, तो आपको 64 माला जाप करना है। 64 माला जाप करना, अच्छा ठीक है, गुरु जी कहते हैं तो प्रयास करना है। प्रयास किया, 2-3 दिन के बाद प्रभुपाद के पास वापस आ गया। प्रभुपाद ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, 8 घंटे सेवा और ये वो करना है और 64 माला जाप तो संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, 64 माला संभव नहीं है तो 32 कीजिए। तो 2-3 दिन प्रयास किया और फिर से प्रभुपाद के पास लौट गए और बोले कि 32 माला भी बहुत मुश्किल है, लगभग संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, तो 16 माले लेकिन कम से कम 16 माला जाप करना है। और हर बार जब दीक्षा देते थे हरि नाम भी,
तो उनसे भक्त लोग से पूछे तो किन महाराज जप करेंगे दीक्षा के समय, तो भक्त लोग बोलते हाँ 16 माला, और प्रभुपाद बार बार बोलते थे कम से कम 16 माला, कम से कम ही तो मतलब क्या अर्थ है कि ज्यादा करना चाहिए, लेकिन सेवी भी करना है, भगवत सेवा भी करना है, तो लेकिन कम से कम, और विशेष करके एकादशी के दिन, एकादशी के तिथि उसी समय तो थोड़ा सा कम प्रसाद लेना है, दूसरे समय तो सुबह दोपहर के समय, शाम को रात को भी, और यहाँ पर हमारे तो ब्रह्मचारी बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, सुबह राय चावल सब्जियाँ, 2-3 सब्जियाँ हैं, 2 सब्जियाँ हैं, चपाती है, दाल दोपहर के समय भी, और रात को क्या मिलता है, कभी इडली डोसा और जो भी है ज़्यादा करके मूढ़ी मिलता है, मूढ़ी, अच्छा ठीक है। पहले जब हम आए थे 1980 सुबह खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी, कभी कभी एक केला, कभी कभी थोड़ा सा दही या शिशिरी तो थोड़ा सा अचार, लेकिन खिचड़ी सुबह प्रतिदिन खिचड़ी खिचड़ी, अच्छा भी लगता है, अच्छा भी है वास्तव में तो। और इसके बाद दोपहर के समय चावल दाल एक सब्जी और चपाती, और शाम को दूध और बूढ़ी बस प्रतिदिन, तभी तो समय तो उससे बदल गया, और अच्छा प्रसाद चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन चाणक्य पंडित भी उन्होंने नीति शास्त्र तो अपने तो सुनो होंगे, नीति शास्त्र इसमें ले किया है कि 3 चीज में तो कभी नहीं बोलना है और सोचना कि पर्याप्त किया है, एक जप, कभी नहीं सोचना मैंने जप काफी किया, 16 माला किया है बस हो गया, बहुत है, हमेशा ज़्यादा करने की प्रयास करना, शास्त्र का ध्यान, प्रभुपाद भी कहते थे कम से कम 1 घंटा पढ़ना है, सुबह भागवतम शाम को गीता और बीच में जो भी किताबें हैं और तो पढ़ना है 1 घंटा कम से कम, प्रभुपाद भी कहते थे कम से कम 1 घंटा। तो इसमें चाणक्य पंडित उन्होंने उल्लेख किया है नीति शास्त्र में, तो इसमें भी कभी ना सोचना और बोलना कि मैं बहुत शास्त्र अध्ययन किया है, ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन करना है, ये तीसरे ये गृहस्थ के लिए है, ब्रह्मचारी के लिए भी, लेकिन उनके पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आजकल ब्रह्मचारी के पास भी पैसा है, लेकिन फिर भी दान देना पैसे के जरूरत नहीं है, लेकिन गृहस्थ को क्यों देना है, दान देना तभी जी के लिए, गुरु को वैष्णव और जिनको चाहे दान देना है, और विशेष करके द्वादशी तिथि में, क्योंकि उपवास किया है यह नियम है, गृहस्थ जो है सब उपवास रखता है एकादशी की तिथि या महाद्वादशी हो, जो हमने नहीं लिया है अन्न जैसे चावल गेहूँ दाल इत्यादि, तो नहीं लिया तो अगले दिन दान में देना है, ये नियम है, इसलिए हम ब्रज में भी आजकल भी देख सकता है जो साधु जो है आजकल, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ दूसरी जगह मैंने भी देखा है कि जो कोई आश्रम के साधु जो है ये भिक्षा के लिए जाता है द्वादशी तिथि के दिन, क्योंकि उनको मालूम है कि गृहस्थ उपवास रख दिया है और उनको देना है, और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी ब्रह्मचर्य को भेज दिए थे द्वादशी तिथि के दिन भिक्षा लेने के लिए, मांगने के लिए चावल जो भी है, तो हर द्वादशी तो दान भी देना है, और ब्रह्मचारी है इसे प्रभुपाद भी कहते थे किताब का वितरण करना है, दिव्य ज्ञान देना है, महामंत्र तो मिल गया दूसरों को भी बताना है जप करने के लिए, एक भी प्रकार के दान है, अवस्था में परम धाम दान ये है जो दूसरे को दिव्य ज्ञान देता है। तो स्वाध्याय इसके अंतर्गत है, तो हमको खुद स्वस्थ का ध्यान करना है, इसके बाद दूसरे को बताना है इसके बारे में, सदाचार होना चाहिए, सदाचार अच्छा मतलब
दुराचार और सदाचार अच्छा तरह से दूसरे के साथ रहना है, विधिवत पूर्वक जो नियम जो होता है, विधि जो है का पालन करना है, जो नहीं करना है, जो निषेध है ये भी छोड़ना है, तो सदाचार अच्छा होना चाहिए। ये सब इस स्वाध्याय के अंतर्गत है। तो शास्त्र का ध्यान भगवत श्रवण प्रतिदिन करना है, और भक्त जो आ गया है गुरुजान उनके सन्निध्य में रहना है, उनके आदेश पाके उनके दिव्य ज्ञान प्राप्त करके इसके अनुसार सर भजन करना है, ठाकुर जी की सेवा करना है। स्वाध्याय ये महत्वपूर्ण है। जो अच्छे तरह से भजन कर रहा है, जप कर रहा है, पर्याप्त भगवान के बारे में श्रवण करता है, अच्छे तरह से दूसरे के साथ रहता है, जगह है उनकी सेवा कर रहा है, जो अपने स्थान पे है तो चर्चा कर रहा है कृष्ण कथा, प्रजल्पन आए प्रजल्प छोड़ना है, जिससे तो उपदेश अमृत तो हो चुका है ना, याद है अत्याहारा निश्चय दरिया जो करना है, उच्च उच्च निश्चय दरिया तत्काल बतवाते ना संद भक्ति प्रसिद्ध थे। तो ऐसे करते हुए जब अच्छा तरह से भक्त भजन कर रहे हैं तो जो अच्छा भक्त है अच्छा तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, तो ये महत्वपूर्ण है पंचम अंग। तो अभी कुछ बताएंगे इस ये इज्जत के बारे में ठाकुर जी की सेवा। तो सुबह तो अभी के मान उठ के तो नियमित रूप से करके भगवान का स्मरण करके मंदिर में जाता है पुजारी, और जागरण सेवा के लिए तैयार रहता है। तो मंदिर में अब तो मालूम है कब जागरण सेवा है, मालूम है किसी को मालूम है जागरण सेवा ठाकुर जी के? हाँ क्या 3:40 AM मालूम है क्यों? क्या निशांत लीला खत्म? हाँ निशांत लीला नहीं, निशांत लीला उसी समय शुरू होता है 3:36 पे, निशांत निश के अंत रात रात्रि के अंत है, तो शुरू होता है 3:36 वास्तव में शास्त्र के अनुसार 3:36 से 6 तक निशांत लीला है। तो कृष्ण बलराम कहाँ पर है? मंदिर में तो है लेकिन वास्तव में कहाँ पर है कृष्ण बलराम? गोवर्धन पे है ना ही गोलोक में, लेकिन गोलोक में कहाँ पर या ब्रज में कहाँ पर है कृष्ण बलराम? गोवर्धन में क्या कर रहा है गोवर्धन पे? नहीं 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 बलराम तो सोता है ना, नंदगांव में है, नंदगांव में है सो रहा है आराम से योग निद्रा। कृष्णा का स्मरण करते हुए तो स्वप्न भी आ जाता है बलराम के, गोचरण लीला का स्मरण भी होता है, क्योंकि दिन में किया है तो आ जाता है स्वप्न में भगवान के कृष्ण के बलराम के। लेकिन कृष्णा तो नंदगांव में ना है उसी समय, दूसरी जगह पे है, तो गोवर्धन पे हो सकते या दूसरे स्थान पे है जहाँ पर रासलीला
हुई। गोवर्धन पे हो सकते हैं ना, यहाँ पर भी वृंदावन में भी हाँ हाँ, तो वहाँ पर भी, यहाँ पर निधिवान में भी है, यहाँ पर भी अगर तो अब तो है ना, मेरे ख्याल से तो सब वहाँ पर गया है ना, सेवक कौन निधिवान कौन गया वहाँ पर, निधिवान गया का भी और देखा अंदर वहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर राधा कृष्ण के वहाँ पर हाँ मूर्ति है, तो लीला होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर तो लीला होता है लगभग तो 10:30 बजे 11 बजे से 1:30 बजे 2 बजे तक, तो जैसे रासलीला नृत्य, इसके बाद तो थोड़ा सा लेटना है, तो वहाँ पर स्थान भी है शयन वास्तव, तो सजाया है ये गोपियाँ फूलों से जहाँ पर विश्राम करेंगे राधा कृष्णा, तो विश्राम करते हैं और निशे के अंत मतलब सूर्योदय से पहले वृंदा देवी वहाँ पर उपस्थित है, और अभी तो उनको जगाना है दोनों, क्योंकि अभी तो निकुंज में है, लेकिन अभी वापस जाना है नंदगांव कृष्णा और श्रीमती राधानी वर्षाना या जबत, और वहाँ पर पशु पक्षी भी हैं, रात को भी कभी वहाँ पर है, और तोता है, और जो स्त्री और पुलिंग है तोता, सुख सारी, सुख संस्कृत में सुख पुलिंग सारी स्त्रीलिंग, तो वृंदा देवियों को बताती है अभी राधा कृष्ण को जगाना है, तो सुख जो है कृष्ण का गुणगान कर रहा है, सारी राधारानी के गुणगान करती है, उनके नाम भी है सबके वहाँ पर नाम है, पशु पक्षी भी, और मालूम है सुख के क्या नाम है, दक्ष एक है, दक्ष दक्ष है इसमें कृष्ण के गुणगान में, सारी यहाँ के नाम है मंजुभाषिनी शोभा बहुत, तो जैसे यहाँ पर भी तोता है, कभी कभी वीडियो भी देखा है क्या बोलता है, कभी कभी हरी बोल लेकिन इससे जनाए बोलता है, या कृष्ण कृष्ण, लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिक जगह में अच्छा तरह से हमसे भी अच्छा कृष्णा की गुणगान कर सकता है, तो ये उसी समय होता है 3:36 शुरू होता है, तो लगभग 4:45 बजे तक, तो कृष्ण राधारानी के लिंग करते हैं, तो ये तो नहीं छोड़ना चाहता है दोनों, लेकिन उतना तो है जैसे ब्रह्मचारी भी तो है ना, अलार्म भी है लेकिन अभी स्नूज में रखता है, या गृहस्थ जो बाहर रहता है, तो मंदिर में तो मुश्किल है, उतना तो चाहिए है ना, अन्यथा मधुश्रेष्ठ तो देखता है कौन वहाँ पर है, देखता है कभी कभी जाता है, अगर देखना है अगर सब उठ गए हैं, अगर ना ये उतो अन्य तो जनार्दन महाराज को बताना है तो सब जनार्दन महाराज का नाम सुन के तो जल्दी उठ जाता है ना तो लेकिन राधारानी भी बोलती है सुखसारी को अभी चुप रहा हो, लेकिन फिर भी तो उतना तो जो है, तो वृंदा देवी वहाँ पर बंदर भी है गोलोक में, लेकिन वहाँ पर तो चश्मा नहीं बताता है और लेकिन फिर जब कृष्ण तो मक्खन ले जाता है किसी के घर से, तो बंदर को भी देता है, बंदरियाँ भी है, तो कृष्ण के एक बंदरों का नाम है दादी लोबा, उनको बहुत अच्छा लगता है, दादी मतलब दाही इसके पीछे है, तो और राधारानी के एक बंदरियाँ है ककती
काकती हाँ तुमको बुलाती है, काकती इधर आओ, आती है तो जरूरी तो वास्तव में वह है हमेशा के लिए आध्यात्मिक जगह में, जैसे नंदा बाबी यशोदा वृद्धावस्था में है हमेशा के लिए, लेकिन फिर भी अच्छा तरह से सेवा कर सकता है क्योंकि नित्य स्वरूप है, लेकिन उनकी दाढ़ी जो है नंदा बाबा थोड़ा सा सफेद है, तो काकती बुलाया है और ये कहती है जो तिलक को तिला आ रहा ही है, मालूम है जो तिलक को तिला सास और ननद है रानी के लीला में, तो ये सुन के दोनों उठ जाता है तुरंत अपने वस्त्र लेकर नंदगांव कृष्ण और रानी बरसाने की ओर चले जाती है। तो यह तो उसी समय जागरण सेवा होता है। मैं भी तोरों से बताता हूँ क्योंकि वास्तव में तो स्मर्तव्य सतन विष्णु विस्मर्तव्य न चतुचेत, हमको निरंतर विष्णु या कृष्ण का स्मरण करना है तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। भाव आ जाता है जब कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और उनके परिकार का, ये तो पद्धति है राग में प्रवेश करने के, उनके लीला के जैसे इसमें तो तन्नाम रूप चरिता सुकीर्तन स्मितना रसैन मरसन ये हो जा याद है श्लोक के आत्म श्लोक, तो इसमें इस तत्पार्य में प्रॉपर दो श्लोक उल्लेख किया है, कृष्ण स्मरण जनम चस्या निज पृष्ठम समीतम तत्क कथा रचस तस्या कोरियद वजम रज सदा, ये भक्ति रसमृति सिंधु के श्लोक है कि हमको हमेशा ब्रज में रहना है, सदक के शरीर में रूप को स्वामी के अनुसार और सिर शरीर तो रूप मंजारी के अनुसार हमको भाव से सेवा करना है। कृष्ण स्मरण दूसरा श्लोक है, कृष्ण स्मरण जनम चस्या निज पृष्ठम समीतम तत्क कथा रचस्य कौर्य वजम व्रज सदा, वहाँ पर भी उल्लेख किया हमेशा ब्रज में है, ब्रज में रहना है शरीर से वो विशेष करके मन से ब्रज में रहने हैं, भावना से चित्त से, जैसे महाप्रभु भी पुरी में रहते हुए कहते थे मोरा मान वृंदावन, मेरा मान वृंदावन है, मतलब वृंदावन का स्मरण करते थे तब कृष्ण का स्मरण कर सकते क्योंकि कृष्ण ब्रज में है वृंदावन में है। तो कृष्ण स्मरण जनम चश्चा निज पृष्ठम समीहितम, तो हमको निरंतर कृष्ण का स्मरण करना है, उनके परिकार जो उनके साथ उनके स्मरण करना है और इसके अनुसार तो सेवा करना है। तो जब कोई पुजारी है जगन सेवा करता है तो विधिवत पूर्वक भी आचमन करके, लेकिन प्रयास करना थोड़ा सा भगवान का जो के निशांत लीला का स्मरण करने के प्रयास करना है राधा कृष्ण की सेवा में, कृष्ण बलराम की सेवा में। तो कृष्ण बलराम तो नंदगांव में है, मतलब कृष्णा तो निकुंज वहाँ से चलते हुए नंदगांव में पहुँचता है और फिर से लेट जाता है लगभग, तो वहाँ पर पहुँचते 4 बजे और सब 4 बजे बाद इसके बाद तो उसी समय सब सोए हुए हैं, तो लेट जाता है। इसके बाद यशोदा माँ आ जाती है 5 बजे, हो तो कृष्ण हो तो, लेकिन तो थके हुए हैं अभी अभी तो और सोना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चिन्ह देखता है, यहाँ पर लाल रंग के हैं, ये क्या है लाल रंग क्या हुआ है, यानी गोपिया चुंबन किया है कृष्ण के, मधु मांगलों को मालूम है लेकिन बोलते हैं आज तो काल रात को एक तोता आया था और काट लिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद स्नान करता है तो कृष्ण बलराम दोनों नंदगांव में, कभी कभी कोई मित्र भी उपस्थित है कृष्ण के,
जैसे कृष्ण के संघ की गोपियाँ हैं जो तत्पर रहती है सेवा करने के लिए, तो कृष्ण बलराम के भीतर भी है जितना, लेकिन गोपियों से कम है गोप जो मित्र है। और चार मित्र जो कृष्ण के सबसे प्रिय है, मालूम है चार मित्र कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र किसको मालूम है? मधुमंगल नहीं, हाँ श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम और किंकिनी, ये चार है कृष्ण के प्रिय, सबसे प्रिय है। उनकी उम्र के है लगभग 15 साल के है। मधुमंगल भी मित्र है, लेकिन यह कि मधुमंगल ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल के है ना, संदीपानी मुनि के पुत्र है, घनिष्ठ संबंध है, लेकिन गोप नहीं है, ब्राह्मण है, लेकिन वे भी मजाक कर रहा है जैसे कृष्ण मजाक कर रहा है, ये मधुमंगल भी बहुत मजाक कर रहा है। मित्र है लेकिन ऐसे घनिष्ठ मित्र नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण है और आशीर्वाद देने के लिए तैयार है लीला में। इसके बाद जो कृष्ण से लगभग 1 या 1.5 साल छोटे है, प्रियनामसा का ये आत है। और ये जो मित्र जो है, चार मित्र जो वसुदाम, सुदाम, श्रीदाम, किकिनी, राधारानी के बारे में तो बात नहीं कर रहा है कृष्ण के साथ, और कुछ इस संबंध में सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन जो कृष्ण से छोटे है आत प्रियनामसा का जो है 1-1.5 साल से छोटा है कृष्ण से, उनका नाम ये एक अर्जुन, उज्ज्वल, सुबाल, सुबाल शक प्रसिद्ध है, हाँ, और शुक कृष्णा, तो ये आत है। तो मतलब यह है जब कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं तो मनो मन चाहिए कि कृष्ण के प्रिय मित्र है, और ये वहाँ पर जो कृष्ण बलराम है वहाँ पर उनके साथ है मधुमंगल में, मधुमंगल भी। तो ये सुबह के समय, क्योंकि जैसे हमारे मंदिर में गोनीता है, कृष्ण बलराम है, राधा श्याम सुंदर, तो जो कृष्ण के बलराम के जगह में सेवा कर रहे हैं तो उसी समय भी कि वस्त्र में हम तो तुच्छ है, हमें श्री गुरु का स्मरण करना है और परिकर का स्मरण करना है, ये सेवा कर रहा है, तभी इस भाव से सेवा करके उनकी कृपा से हम इसमें थोड़ा सा सहयोग दे सकता है। लेकिन क्या योग्यता है हमारा अभी हमारे सदक के अवस्था में ठाकुर जी सेवा करने के लिए, लेकिन नित्य सिद्ध परिकर सेवा कर रहा है। और प्रभुपाद जो हमारे आचार्य है, संस्थापक आचार्य, उनकी कृपा से इसमें थोड़ा सा हम सहयोग दे सकता है सेवा में, योग्यता नहीं लेकिन फिर भी प्रभुपाद की कृपा से कुछ कर सकता है सेवा। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले जब तो जगन सेवा कर रहा है वास्तव में, तो जैसे पहले भी बताए गए थे कि जो स्नान करके सुबह इत्यादि, और इसके बाद वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है, इस वहाँ पर ये जगह जो इसका नाम है गर्भगिरी है, तो वहाँ पर तो बाहर आचमन करके, तो इसके बाद मंत्र उच्चारण करके तो अंदर जा सकता है, और ये भी है कि बाहर प्रणाम करना है, अष्टांग प्रणाम या षष्टांग प्रणाम, और इसके बाद अंदर जाके थोड़ा सा ताली बजाना है थोड़ा सा, इसके बाद तो ऐसे करके कि भगवान समझ सकता है कि कोई आया है। और जैसे मंदिर में भी प्रवेश करने के समय इसमें उल्लेख किया है कि घंटी हो या थोड़ा सा ताली बजाना है या जय कर करना, जय गोनीता कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर, या दरवाजे, हाँ क्या कहते हैं, टक टक, खट खट, नॉकिंग इंग्लिश में, हिंदी में खट खट, क्योंकि है ना जैसे अगर किसी के घर जाता है तो ऐसे करके तुरंत अंदर नहीं जा सकता है, अपना घर है ठीक है, लेकिन अपना घर नहीं है तो बताना चाहिए मैं आ रहा हूँ, कृष्णदास हूँ, मैं आ रहा हूँ,
हाँ ठीक है, तो जो अंदर जो है आइए आइए, आवाज लगाता है, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं आया हूँ, तो मैं आ सकता हूँ, अंदर आ सकता हूँ, हाँ आइए आइए। तो वैसे ही तो मान दे यार कृष्ण बलराम के वास स्थान है, तो इसलिए जब अंदर जाता है तो ताली बजाना है या भगवान का जयकार या कट कट करना, इसके बाद अंदर जा सकता है या गांति भी बजा सकते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में तो वाजिब है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो संभव नहीं है, लेकिन आवाज़ लगाना है इसके बाद अंदर जा सकता है। तो वैसे ही अंदर जाके ठाकुर जी के सामने और वहाँ पर तो आचमन करके अलग अलग मंत्र उच्चारण करके सबसे पहले गुरु को जगाना है, उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याजन निद्रम कृपमोया, कृप करके हे गुरुदेव अपना योग निद्रा छोड़ दीजिए और उठिए। हाँ मंत्र भी है तो जो मंदिर में सेवक कर रहे हैं उनको संस्कृत मंत्रों को मालूम है, घर पे अपना भाषा में बोल सकता है, हे गुरुदेव उठिए उठिए। तो गुरुदेव के बाद परम गुरुदेव जिसे अपना गुरु वे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, इसके बाद ये भी अच्छा है कि वास्तव में तो जय गोस्वामी का स्मरण करके या विशेष करके रूप गोस्वामी, क्योंकि अपने आप को रूप नुग वैष्णव कहलाता है, हम रूप नुग वैष्णव है, रूप गोस्वामी के अनुसार चलता है, सड़क के शरीर में जब आ गया है रूप मंजारी के अनुगत्य में हम चलते हैं, सिद्ध वस्त्र पे आध्यात्मिक वस्त्र पे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु को जगाना है, उसके लिए भी मंत्र है उत्तिष्ठ तिष्ठ जनवेश्वरा योग निद्रम, इसके बाद गुरांग का मंत्र भी है या अपना भाषा में भी बोल सकता है। तो उनके स्पर्श करते हुए उनको ये मंत्र उच्चारण करके, लेकिन उनके चरण कमलों का स्पर्श करते हुए उनको जगाना है, तो रसम मालिश करके इसके बाद कृष्ण बलराम को जगाना है, बलराम या कृष्ण को, इसके लिए भी मंत्र है। और इसके बाद गोपियाँ ललिता विशाखा और श्रीमती रानी और कृष्णा को जगाना है। इसके बाद तो जब विस्तार रूप से कर रहा है सेवा तो उनके उनको अपना हाथ और मुंह साफ करने के लिए जल अर्पण करना है, इदम हस्त मुख प्रक्षालनम। और जब कुछ अर्पण कर रहा है मंदिर में तो मंत्र है जो जैसे ठाकुर जी के मूल मंत्र है कहलाता है मूल मंत्र, जैसे कृष्ण के लिए क्लीम कृष्णाय नमः, जो भी कुछ अर्पण कर रहा है तो क्लीम कृष्णाय नमः बोलना है मंदिर में। घर पे अगर दीक्षित नहीं है तो अपना भाषा में बोल सकते हैं, हे कृष्णा उठिए या हे कृष्णा मैं अभी ये अगरबत्ती अर्पण कर रहा हूँ या पानी देता हूँ हाथ और मुंह धोने के लिए। लेकिन मंदिर में संस्कृत शब्दों से सेवा होता है, इदम हस्त मुख प्रक्षालनम क्लीम कृष्णाय नमः श्री रम राधिकायै नमः, हस्त मुख प्रक्षालनम। तो इसमें मंत्र किधर 26 में 26 26 में वो 26 में हाँ मूल मंत्र 26 में है, 26 में। और जागरण सेवा कौन सा पेज में था? 16 नंबर पे। तो इसके बाद ये है कि जरूर समय भक्त लोग जो है तो तुरंत उठ के तो स्नान नाता है, लेकिन कभी कभी भी हो जाता है कि बहुत जल्दी उठ जाता है भक्त लोग 2 बजे,
और प्रभुपाद भी जब अपने जो श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे तो जल्दी उठ जाते थे 2 बजे, इसके बाद भी हाथ और 2 मुँह के इसके बाद अनुवाद करते थे और इसके बाद 4 बजे स्नान करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे करते थे, कभी कभी भक्त को भी ऐसे करता है, उठ के जप कर रहा है इसके बाद मंगल आरती जाने से पहले स्नान नहाते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा में भी तो हस्तमुख प्रक्षालनम हाथ धोने के लिए और मुंह धोने के लिए थोड़ा सा पानी देता है, इसके बाद जैसा हम आचमन करता है ये हमारे तो शुद्धिकरण के लिए है, लेकिन तो भगवान के लिए तो शुद्धिकरण जरूर ना है, लेकिन फिर भी आचमन कर अर्पण कर रहा है, इसमें देता है लौंग और जायफल ऐसा करके तो पानी स्वादिष्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा जब मुंह में आ जाता है तो अच्छा लगता है। इदम अचमान्यम, इसके बाद भोग मंगल बोद अर्पण करना है, तो वहाँ पर भगवान के सामने तो ये मेष सब करके इसके बाद आसन प्रदान करता है ठाकुर जी के लिए बैठने के लिए, जिसे जो समय तो नीचे बैठ के प्रसाद पाता है भक्त लोग, विशेष करके आश्रम में तो सब नीचे बैठे हैं, गृहस्थ घर पे कभी कभी कुर्सी पे और मेज पे प्रसाद लेते हैं, लेकिन आश्रम में तो नीचे बैठना है और वास्तव में तो ये सबसे अच्छा है। और भगवान भी कृष्ण भी नीचे बैठते हैं तो मतलब सेवा में, और मेज पे लगाता है भोग और इसके बाद तो शुद्धिकरण के लिए भी थोड़ा सा प्रोक्षण करता है भोग के, सब तो शुद्ध है लेकिन फिर भी बनाया हुआ है अच्छा तरह से, सामग्री उत्तम श्रेणी के है लेकिन फिर भी कभी कभी चीटियाँ भी है और मक्खियाँ है, तो इसलिए हर चीज़ का शुद्धिकरण करना है अपन करने से पहले। जैसे अगर कोई आरती कर रहा है अगरबत्ती दीप बत्ती सब रुमाल जो है एकदम तो साफ है, सब साफ है पुष्प भी, लेकिन फिर भी पहले अपना हाथ धोना है, इसके बाद जो उपचार जो है ये भी पानी से धोना है 3 बूंद से, और अर्पण करने के बाद अपना हाथ फिर से धोना है, साफ करना है आचमन पात्र से, इसके बाद दूसरे उपचार द्रव्य अर्पण कर सकता है। और बो के समय भी तो ये विस्तार रूप में भी भगवान के पद कमलों भी धोता है, एतत् पद्याम, जैसे ये भी के वैदिक संस्कृति के अनुसार वैष्णव संस्कृति के अनुसार प्रसाद पाने से पहले हाथ मुंह और पैर धोना है, इसके बाद बैठना है, और जो ब्राह्मण कुल के आचमन भी कर रहा है और जब और भी विशेष रूप से और विस्तार रूप से जागरण से वो होता है, तो जगाने के बाद ठाकुर जी के तो ये जो दंत धावन के लिए नीम वृक्ष के एक धातु अर्पण कर रहा है और जीवोलेख भी है चांदी के या सोने के, जैसे हमारे छोटे ठाकुर जी के राधा कृष्ण के लिए किसी ने दे दिया सोने के जीवोलेख का, अगर ये नहीं तो चांदी के, लेकिन घर पे तो विस्तार रूप से करना तो मुश्किल है, तो मन से कर सकता है, कम से कम मनोमनो चाहिए कि कर सकता है। इसके बाद तो भोग लगाते लगाना है 5-10 मिनट के लिए, तो सुबह के भोग मिटाए हैं, तो तत्पश्चात तो जब तो भोग लगाने के बाद जहाँ बाहर जाता है मंत्र उच्चारण करके भी
तो सर्वविधि से तो प्रभुपाद उन्होंने बोला है कि सबसे पहले गुरु का मंत्र उच्चारण करना है, जो प्रणाम मंत्र है प्रभुपाद के या अपने गुरु के, इसके बाद महाप्रभु के नम महावदन्य, और इसके बाद नाम ब्राह्मणी देव है गो ब्राह्मणी ताचा इत्यादि, वो तीन बार। लेकिन जो पुजारी जो मंदिर में है तो इसके लिए भी विशेष भी मंत्र है, क्योंकि वास्तव में ये प्रणाम मंत्र है, भोग लगाने के मंत्र ना है, ये प्रणाम मंत्र है। लेकिन दूसरा मंत्र है जैसे सुबह मंगलातिक से पहले सुबह सवेरे तो मिठाई अर्पण करना करता है, तो इसके लिए मंत्र है इदम मिष्टना पानीयादिकम सर्वम, मिष्टना मिठाई संस्कृत में पानी, पानी भी देते जब भोग लगाते ठाकुर जी को उसी समय हमेशा पानी भी अर्पण कर रहा है पीने के लिए। और इसके बाद जब भोग लगाता है जो मूल मंत्र है तो ये भी तो ब्राह्मण के लिए उच्चारण करता है थाली के ऊपर। लेकिन सर्वविली में जैसे प्रभुपाद उन्होंने शिष्य को बताए गए थे, तो ये मंत्र प्रणाम मंत्र गुरु महाप्रभु के कृष्ण को कृष्ण के तीन बार उच्चारण करना है। तीन बार क्यों, क्यों तीन बार मालूम है क्यों? क्योंकि यह कि बस में जब प्रेम है तो एक बार पर्याप्त है, जब प्रेम भी है मंत्र के बिना भी अर्पण कर सकता है। लेकिन जब बाधावस्था में है तो मन बहुत चंचल है, इसके बारे में सोचते उसके बारे में सोचता है, ध्यान नहीं देता है, इसलिए तीन बार उच्चारण करना है तो आशा रखता है गुरु जान की कम से कम तीन बार के उच्चारण के करके एक बार तो साई से उच्चारण करेंगे ध्यान पूर्वक, इसलिए तीन बार। जिसे परिक्रमा भी करना है मंदिर के नियम है कम से कम तीन या चार बार, ये भी उल्लेख किया है, कई जगह पे सात बार भी उल्लेख किया है। लेकिन तो एक प्रकार के प्रणाम है परिक्रम करना, ठाकुर जी के सामने तो किया है तन मन वच से, सिर्फ शरीर से नहीं करना है प्रणाम, जब प्रणाम करता है मंत्र उच्चारण भी करना है शुरुआत में गुरु के, क्योंकि कोई मंत्र नहीं मालूम है, लेकिन जब मंत्र मालूम है जैसे गोनिता के लिए जब उनके सामने है तो गुरु का स्मरण भी करना है, लेकिन उनके सामने तो है गोनिता के सामने तो गोनिता की कोई मंत्र उच्चारण करना है, जैसे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सौदित गौधराय पुष्पवंत चित्र मोनुदो, या ये मंत्र भी नम महावादन्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः, और नित्यानंद के लिए नित्यानंद ओम नवमी सर्वानंद करम परम हरम, क्या है नित्यानंद होमी सर्व, अलग अलग मंत्र है नित्यानंद ओम नवमी, क्या भी यार नहीं है, जो भी है जो अलग अलग मंत्र उच्चारण कर सकते हैं तो ठाकुर जी के सामने। इसमें इसमें उल्लेख किया है अलग अलग मंत्र है, पेज नंबर 14 कौन सा मंत्र है इसमें, हाँ हाँ ठीक है पेज 14 संकर्षण कर्णताय कर्णताशायी गर्भदशायी छपयोगदशायी शिशश्चा यश्याम सकाला सा नित्यानंद क्या रामशरणम नमस्तु नित्यानंद होम नवमी सर्व करुण ना अभी याद नहीं है, प्रसिद्ध मंत्र है। यमा तो जैसे करके भोग लगाना है, इसके बाद तो 10 मिनट के लिए रखता है भोग तो प्रसाद बन जाता है, ग्रहण किया है लेकिन रख तो, लेकिन फिर भी
तो हमारे लिए भी चोता है परम दयालु भगवान। तो अंदर जाके फिर से, तो जब अंदर जाता है फिर से ताली बजाना है, क्योंकि अंदर जाता है तो बताने के लिए मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तो हाथ और मुंह धोने के लिए पानी देना फिर से, और आचमन भी, और क्या ही बार विशेष करके दोपहर के समय और शाम के समय तंबुल भी आत्मा कर रहा है कृष्णा के लिए, कृष्ण को अच्छा लगता है। ओ हरे कृष्णा, तो इसके बाद तो ये पहली सेवा है। इसके बाद तो भोग के बाद तो आती है, ये भी जैसे छह बार आतिक है, इसके बाद सिंगर आतिक भी है। तो वास्तव यह है कि आतिक से पहले हमेशा भोग लगाता है मंदिर में, पहले भोग लगाते इसके बाद आतिक करता है, ये नियम है। तो मंगल भोग है, इसके बाद मंगल आतिक है, और ये भी तो विधिवत पूर्वक करना है। और जैसे जब और भोग लगाने के बाद तो पानी देते हुए, तो इसके बाद रुमाल भी देना है, तो हाथ और मुँह पोंछने के लिए ठाकुर जी को अर्पण करना है। और मंगल आरती के लिए तो अगरबत्ती, दीप बाती, जल, वस्त्र, पुष्प, चामर और मोरपंख तो अर्पण कर रहा है। तो सबसे पहले भी तो दरवाजा खुलने के बाद शंख बजाना है, तो हमारे मंदिर में और गौरी वैष्णव संप्रदाय के मंदिर में शंख बजाता है। लेकिन दूसरे मंदिर में तो ब्रज में शंख ना बजाता है, क्योंकि कहता है कि जब अक्रूर आए थे तो शंख बजाते थे, इसके बाद तो भक्त लोग मतलब कृष्ण के परिकार वहाँ पर तो थे, और मतलब उनको संतवाने के लिए आए थे, लेकिन उल्टा हो गया। तो इसलिए और विशेष करके तो गोपियाँ तो जब अक्रूर आए थे और ले जाने के लिए कृष्ण बलराम को, तो बहुत दुखी थी गोपियाँ। और इसलिए आज भी तो ब्रिजवासियों के विचार यह है कि क्योंकि आए थे वो, जाने के समय भी शंख बजाते थे, तो इसलिए ना ही बजाना चाहते, ना ही सुनना चाहता है शंख। लेकिन ये शास्त्र के अनुसार भी है, जब कोई शुभ कार्य के शुभाराम के समय तो शंख बजाना है, और अंत के समय भी, इसलिए आरती से पहले और आरती के बाद शंख बजाता है तीन बार। और तो इसके बाद पहले अगरबत्ती, और जब अगरबत्ती तो इस वहाँ पर भी विधि है, तो हाथ आचमन पत्र से हाथ साफ करके अगरबत्ती शुद्धिकरण के लिए तीन पानी देना है। और इसके बाद तो बाएं हाथ में घंटी बजाना है, इस कारण भी एक इसका कारण भी है, क्योंकि यह बाएं हाथ अशुद्ध है, अशुद्ध रहता है, क्योंकि सो सुबह उठ के पानी पी के मल मूत्र त्याग करना है, तो इसी समय साफ करना है साबुन से या मिट्टी से, और अच्छा तरह से भी करना है। तो हरि भक्ति विलास के इसमें उल्लेख किया है 10 बार हाथ धोना है, बहुत सारे नियम है हरि भक्ति विलास में, पूरा पालन करना आज तो संभव नहीं है, लेकिन अलग चीज़ में उल्लेख किया है जो अच्छा है हमारे लिए, जिसे रात को सोने से पहले अपरक्षा में मंत्र बोलना है। तो इसलिए जो अनुकूल है हमको ग्रहण करना है, जो अनुकूल नहीं लगता है तो छोड़ सकता है,
और खुद सनातन गोस्वामी भी हरिभक्ति विलास तो प्रस्तुत करने के लिए उन्हें भी अपना टीका भी इसमें बाद में दिया गया है, उसमें भी उल्लेख किया है कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और ये हमको ग्रहण करना है। दूसरी चीज़ तो अगर पढ़ना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारे स्मार्त ब्राह्मण थे तो, लेकिन उनके क्योंकि ये भी सब पढ़ते थे दूसरे साधु के ग्रंथ, और इसलिए उनके ये विधि इसमें उल्लेख किया है। लेकिन टीका में तत्पर्य में उन्होंने भी उल्लेख किया है कि जो अनुकूल है हमारे लिए तो ग्रहण करना है और जो प्रतिकूल है ये छोड़ना है। ये श्लोक भी है इसके संबंध में हरिभक्ति विलास में उल्लेख किया है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिस्व से विश्वसो कोक्तृत्व वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कर्पण्या सन्विधम शरणागति। तो जो अनुकूल है ये हमको ग्रहण करना है, जो प्रतिकूल है हमको त्यागना है। विश्वास रखना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हमेशा तो रक्षा तो जरूर करेंगे और हमारा पालन पोषण जो भी कुछ चाहिए हमको रहने के लिए और यात्मिक मार्ग आगे जाने के लिए तो हम मिल सकते हैं उनकी कृपा से, और हमेशा तो प्रयास करना सब कुछ तन मन वाचा कृष्ण की सेवा में लगाना, आत्मसमर्पण आत्मनिवेदनम प्रयास करना है। और इसके बाद इसमें भी उल्लेख किया है कि विनम्र भाव में रहना है आवश्यक है। इसमें हर महाप्रभु तो कहते थे त्रिनारपि सुनिचिना तरुरपि सहिष्णु नमानि नमानि निरा कीर्तनीय सदहरि। तो हर तो आचार्य ये कहता है कि विनम्र भाव में रहना है, जिसे रघुनाथ दास गोस्वामी के छोटो सा किताब है इसमें 11 श्लोक है। मन शिक्षा, मन को शिक्षा देता है, इसमें भी उल्लेख किया है विनम्र भाव में रहना है। सदा दम्ब हित्वा, सदा दम्ब जो है गर्व जो है छोड़ना है, सदा हमेशा के लिए छोड़ना है, मैं कुछ हूँ मैं बहुत बड़ा जो भी है पुजारी हूँ और ये हूँ वो हूँ। जरा किताब का वितरण करते तो अगर करते भी है लेकिन फिर भी विनम्र भाव में रहना है, सोचना ये भगवान की कृपा है तो हमें इसे विनम्र भाव में रहना है। तो आतिक के समय तो अगरबत्ती सबसे पहले अर्पण कर रहा है तो, और ये भी है कि जैसे पुजारी जो है कभी देखता है कि दरवाजे के पीछे है तो यहाँ पर भी देखना है कि साय से करना है। जैसे कभी कभी पुजारी पीछे है दरवाजे के पीछे सिर्फ हाथ देखता है तो लोग तो जो बाहर के लोग तो सोचे ये क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर हाथ देखता है घुमाता है कुछ अलग बातें। और कोई पुजारी बिल्कुल सामने आ जाता है और ठाकुर जी को अच्छा तरह से नहीं देख सकता है जो साइड में है लेकिन पुजारी को देखता है ये भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा बीच में रहना चाहिए, बिल्कुल दरवाजे के पीछे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठाकुर जी के सामने भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जैसे अगरबत्ती अर्पण कर रहा है इसमें भी विधि है, चार बार चारों कमलों को अर्पण करना है, इसके बाद नाभि को दो और पूरा शरीर 7 बार। लेकिन इसमें भी उल्लेख किया है कौन से 25 नंबर पृष्ठ 25। लेकिन कभी कभी सिर्फ 7 बार करता है पूरे शरीर के, लेकिन यह नियम है कि कभी कभी भी देखता है ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है और जल्दी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा देरी भी नहीं करना चाहिए। गरीबी है और वहाँ पर भी देख सकते शुरुआत में, लेकिन जो बहुत सालों से किया है गरीबी ना बिना गाड़ी देख के कर सकता है, जब सत्व गुण में है और रोज रोज कर रहा है आदत पा जाता है तो अच्छा तरह से कर सकता है। लेकिन अगर तो ऐसे करके दिखाना है अगरबत्ती या दीप बत्ती ऐसा नहीं, कभी कभी देखते ऐसा है नहीं ऐसा होना चाहिए।
जब वृद्धावस्था में तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विशेष करके दिव्यती जो जीव जो है बहुत भारी है, तो लेकिन प्रयास करने से करके, और जब चरण कमलों को अर्पण कर रहा है तो सिर्फ हाथ घुमाना है, नाभि के लिए भी हाथ, सिर के लिए भी हाथ, और जब पूरे शरीर करे तो पूरा भाव, तो ऐसे करके करना है। तो ऐसे करके, और तो वहाँ पर पहले तो गुरु को सबसे पहले आतिक से पहले पुष्पांजलि अर्पण करना है गुरु को, और इसके बाद ठाकुर जी को, और गुरु से हमेशा अनुमति लेना है सेवा करने के लिए। और जब जैसे अगरबत्ती अर्पण करने ठाकुर जी को, तो पहले गुरु को दिखाते हुए अगरबत्ती, इसके बाद कृष्ण को, इसके बाद नारायण, इसके बाद ललिता विशाखी इत्यादि, अगर महाप्रभु एक और, तो इसके बाद महाप्रभु, इसके बाद तो नीचे होके गुरु जान के, और रात में अपने गुरु को दिखाना है, इसके बाद वैष्णव को दिखाना है, और ऐसे करके दीप और जल जो शंख में है, रुमाल, और जैसे दीप इसमें 4, 2, 3 और 7, और जल सिर्फ सिर के ऊपर 7 बार या पूरे शरीर के, रुमाल वहाँ पर भी चारों कमलों के लिए 4 बार, नाभि 2, सिर 3 और पूरे शरीर 7 बार, और पुष्प जो है, फूल जो है चारों कमलों पे तो आप करना है, और इसके बाद चमर 8-10 बार, और मोर पंख भी, पूरे शरीर के दिखाना है ऐसे करके 7 बार, ऐसा कुछ नहीं ना, 8-10 बार ऐसे करके जितना समय बाकी है। तो यह है, तो उतनी भरी आतिक है, जैसे मंगलातिक, राजभोग और संध्यातिक, और उसी समय भोग भी पर्याप्त है, तो विशेष करके राजभोग के समय और संध्या भोग, और सुबह तो मंगलातिक से पहले मिताई है, इसके बाद तो 8 बजे भी भोग लगाता है, नाश्ता जो है मंदिर में, और इसके बाद चौथी आती है, उसी समय अगरबत्ती और फूल, और अगरबत्ती के ये भी नियम है, अगरबत्ती के बाद हमेशा उसी समय फूल भी अर्पण करना है, और इसके बाद चामर और मोरपंख, और मोरपंख शिशि ऋतु के समय, शरद ऋतु के समय अर्पण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि तंद है तो तंद लगता है। और इसके बाद तो बहुत महत्वपूर्ण है, हर सेवा के बाद हाथ जोड़ के अपरा रक्षा मंत्र उच्चारण करना है, मंत्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनादन यद पूजितम मैदेव परिपूर्णम तदष्टमे। तो हाँ, इसमें कौन से पेज में है, 58, तो कम से कम मतलब परीक्षा के लिए तो जरूर नहीं है, लेकिन वास्तव में तो एक अगर मंत्र सीख सकते तो अच्छा है, और रात को सोने से पहले उच्चारण करना है, ये भी उन्होंने उल्लेख किया है सनात गोस्वामी हरिभक्ति विलास में। लेकिन हर सेवा के बाद यह नियम है कि अपरा रक्षा मंत्र उच्चारण करना है, 1 या 2 या 3 कम से कम, तो क्योंकि हो जाता है अपराध जब आध्यात्मिक मार्ग में आगे ना है, जब सड़क के शरीर में, सड़क के अवस्था पे है, कनिष्ठ हो, मध्यम अधिकारी हो, तो हो जाता है। सिर्फ शुद्ध वैष्णव जो है आध्यात्मिक अवस्था में इसमें लीन है, तो उनके कोई अपराध नहीं लगता है, कभी ना है। लेकिन जो बाद अवस्था में है, भक्त कनिष्ठ हो या मध्यम अधिकारी हो, तो अपराध तो लगता है, हो जाता है, जानबूझ कर नहीं करना चाहता है, लेकिन हो जाता है।
इसलिए हर सेवक के बाद अपराधक्षमा मंत्र बोलना है मंदिर में, संस्कृत में तो घर पे अपना तो भाषा में भी बोल सकता है। जैसे हे कृष्णा, अगर मैंने कोई अपराध किया है क्षमा कीजिए, मैं क्षमा मांगता हूँ, माफ़ कीजिए। तो सुबह 4 बजे मंगल भोग, इसके बाद काल पूजा के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा। इसके बाद 8 बजे प्रातः भोग है, बाल्य भोग भी कराता है। इसके बाद चौथी आती है, इसके बाद राजभोग 11 बजे अर्पण कर रहे हैं, उसके बाद आती है, और तत्पश्चात शयन सेवा है ठाकुर जी के। तो शयन सेवा तो सुबह जगन उत्सव के समय पहले गुरु को जगाना है क्योंकि ये तो हमेशा तो उपस्थित है, सेवा कर रहा है। और लेकिन शयन सेवा के समय तो गुरु जी तो उपस्थित भी है, होना चाहिए, तो इसलिए पहले राधा कृष्ण की शयन सेवा होता है, इसके बाद दूसरे कृष्ण बलराम हो, गुणिताए हो, और अंत में गुरुदेव की शयन सेवा करता है। और इसी समय रग्न मंत्र है और चरण कमल स्पर्श करते हुए, तो मतलब तो वहाँ पर सिंहासन पे विराजमान है, हाथ से दिखाना है कि अभी आप शयन वस्त्र पे जाइए और विश्राम कीजिए। और जब वहाँ पर तो दोपहर के समय अगर बिस्तर है मंदिर में तो ठाकुर जी विग्रह वहाँ पर रखते हैं कि चरण कमलों की मालिश भी कर रहा है। और उसी समय भी रबरी और तंबूल अर्पण कर रहा है। और इसके बाद तो मतलब 3:36 पे फिर से जगाता है ठाकुर जी को। लेकिन वास्तव में यह है कि क्योंकि मंदिर की सफाई तो होना है, इसलिए मंदिर में तो मंदिर बंद होता है, ठाकुर जी की शयन सेवा होता है, और पुजारी तो जल्दी तो उठ जाता है और सेवा कर रहा है सुबह से, और बीच में जप भी करना है तो थक जाता है, तो राजभोग मिलता है, राजभोग पाके तो सो जाता है। इसे ठाकुर जी की शयन सेवा भी है, लेकिन वास्तव में लीला में कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गोनिताए भी दोपहर के साय नहीं सोता है, उनके लीला है। विशेष करके श्रीमती कृष्ण तो दोपहर के समय पे राधाकुंड पे है, गोपियों के साथ है, तो जब गोपियों के पास है तो कैसे सो सकते हैं, नहीं सो सकते, नहीं सोता है, कभी कभी मजाक कर रहा है, थक गया हूँ तो लेट जाता है। और गोपियाँ कृष्ण के पास तो बहुत नज़दीक में आ जाता है, और इसमें क्या है, इधर दिया तो ये तो नहीं, इसमें नहीं है, तो यह है कि लेकिन मंदिर में होता है तो करना चाहिए। तो लेकिन जैसे कभी कभी घर पे भी तो ऐसे करते जैसे मंदिर में, लेकिन कोई भक्त लोग जिनको मालूम है ये तो दोपहर के समय शयन सेवा नहीं देते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि जरूर नहीं है, दोपहर के समय नहीं सोता है, विषम नहीं करता है। तो नित्य लीला के अनुसार इसलिए नाम है ठाकुर जी की सेवा भी है, एक नाम है नित्य सेवा, नित्य लीला के अनुसार है। तो सुबह तो निशांत लीला है, इसके बाद 3:36 से 6 बजे तक, इसके बाद प्रातः लीला है, तो स्नान कर रहा है, इसके बाद उनकी श्रृंगार सेवा है नंदगांव में, और इसके बाद तो 8:24 से 10:48 तक
पूर्वान लीला है, कृष्णा तो नाश्ते लेता है नंद भवन में, और वास्तव में तो गोचरण लीला से पहले तो उसी समय तो यशोदमा कहती बहुत अच्छा सा तुमको प्रसाद लेना है, क्योंकि पूरे दिन तो वहाँ तो बाहर रहेंगे, इसलिए तो सुबह के समय ज़्यादा भोग, मतलब लीला में ज़्यादा ज़्यादा मिलता है खाना सुबह के समय, लेकिन मंदिर में राजभोग के समय ज़्यादा है, और सुबह तो खिचड़ी सब्जी है एक, और पूरी है, मिठाई है, हलवा है, दूध है, फल भी, फ्रूट सलाद, लेकिन लीला में इस बहुत तो ज़्यादा, जिससे एक गीत भी है भक्ति विनोद ठाकुर के भोग आरती के, बजबात कतबात सलसी गोरा हरी सी गोरा हरी सोही गोष्ट बिहारी, ये बांग्ला भाषा में, तो जिसे मायापुर में भी दोपहर के समय जब भोग लगाता है ये गाता है भक्त लोग, और प्रभुपाद के क्या कौन सा नंबर 80, और जिसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद स्थापित किया है कि हर मंदिर में कि राजभोग लगाने के समय ये गीत तो गाना है तो गाता है, लेकिन ये वास्तव में सुबह के समय है, ये जो इसमें उल्लेख किया है जो लगाता है मतलब जो अर्पण कर रहा है कृष्ण के लिए, ये सुबह के समय है लीला में 8:30 के समय है जो इसमें उल्लेख किया है, लेकिन क्योंकि तो भक्त जो भजन कर रहा है सुबह उसी समय, सुबह तो इतना भोग बनाने के समय तो है ना, क्योंकि जप करना है, भगवत श्रवण करना है और पूजा अभिषेक करना है, तो इसलिए दोपहर के समय ये भोग लगाता है, विशेष भोग राज भोग, और उसी समय गीत गाता है। यस, दोपहर का भोग क्या गीत है? हाँ जी, ये भज भगत परमस्थल विभव। हाँ, ये तो जिस मायापुर में दोपहर के समय उच्चारण करता है तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद स्थापित किया है, लेकिन वास्तव में ये जो इसमें उल्लेख किया है क्या लगाता है इसमें जो गीत में जो उल्लेख किया है अलग अलग जो भोग जो कृष्ण को अर्पण कर रहा है जो रोहिणी माँ और रानी बनाया है तो ये सुबह के समय है वास्तव में। और वहाँ पर तो रानी रोहिणी रसोई में है, बहुत कुछ बनाते हैं, इसके बाद सेवक गण जो है किचन से ले जाता है और वहाँ पर ये जहाँ पर प्रसाद पड़ता है वहाँ पर परोसता है, और कृष्ण के पिताजी वहाँ पर हैं, नंद बाबा, कभी कभी उनके बड़े भाई या छोटे भाई भी आ जाता है और कृष्ण बलराम प्रसाद पाता है, भोजनालय भोजन कर रहा है, एक पूरा कमरा है, और पहले तो नंद बाबा और उनके कभी भाई वहाँ पर आ जाते हैं, और कृष्ण बलराम कभी एक दो मित्र भी आ जाता है, जैसे श्रीधाम कृष्ण के प्रिया मित्र है, रानी के बड़े भाई है, तो प्रसाद पाते हैं, और बाद में यशोदमा रोहिणी और गोपियाँ प्रसाद लेती है। और इसके बाद तो शाम के समय तो पूर्वान लीला है 10:24 से 10:48, तो कृष्ण प्रसाद पाता है, और क्योंकि प्रेम से भी बनाया है रोहिणी और रानी, और उनको भी मालूम है कि किसने बनाया है, और लेकिन तो लगभग 9 बजे ऐसे करके तो गोप के मित्र आ जाता है और बाहर से पुकारता है, कृष्ण कृष्ण आओ आओ, हम कभी जाना है गाय बछड़े लेकर वन में जाना है, कृष्ण तो तैयार है खेलने के लिए,
और जल्दी खल जल्दी थोड़ा सोर पाता है, इसके बाद ठीक है बस पेट भर गया। लेकिन यशोदा माँ कहती नहीं नहीं तुमको और खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया तुमने, और खाना है, अभी शांति से खाओ, जल्दी मत खाओ। जैसे माँ ऐसा तो बच्चे को बताते हैं, ये खेलना चाहता है बाहर जाके, लेकिन माँ को मालूम है क्योंकि प्रसाद लेने तो है। तो वैसे ही यशोदा माँ कृष्ण को कहती है अभी आराम से बैठो, थोड़ा सा और पाओ, इसके बाद पूरे दिन तो बाहर रहेंगे तो शाम को फिर से प्रसाद मिलेंगे। लेकिन जब चले जाता है, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनके लंच बॉक्स है, तो कृष्ण का लंच बॉक्स भी है और वान में तो बहुत प्रसाद लेता है, और कभी कभी वहाँ पर इसमें भी ले किया है। तो एक जगह पे जब बैठ जाता है, कृष्ण केंद्र में है और सब अपने जो इसमें दी गए हैं माँ, तो सामने पत्ते पे और लगाता है और उसके बाद प्रसाद लेता है। और कभी कभी यानी बच्चे से कर रहा है तो कृष्ण से पूछता है, अच्छा तुम्हारी माँ क्या बनाया है थोड़ा सा दिखाओ, और कृष्ण खुद खिलाता है जो अपने थाली में है, और दूसरे से भी मिलता है, आदान प्रदान होता है। इसके बाद तो माध्यान्ह लीला है 10:48 से 3:36 तक, तो लगभग 11 बजे कृष्णा अकस्मात कहता है, तो उसको से मुझे कहीं पर जाना है थोड़ी देर के लिए लेकिन ये तीन चार घंटे हैं, और तो आप तो खेल सकते हो, थोड़े से गाय या बच्चे के देखभाल कीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं पर जाना है। हाँ ठीक है जाओ जाओ। और योग माया के प्रभाव से तो समय तो हमेशा के लिए तो है, लेकिन फिर भी उल्लेख भी किया है इसमें शास्त्र में कि ये सबसे लंबे समय है माध्यान्ह लीला, जो दूसरे जो लीला जो है ये 2 घंटे और 24 मिनट के लिए है, लेकिन दोपहर के समय माध्यान्ह लीला 4 घंटे 48 मिनट है, इसका 2 गुण। क्यों? क्योंकि इस समय तो राधारानी के साथ है और कृष्ण के सबसे प्रिय है ये गोपियाँ हैं, सर्वोत्तम प्रेम गोपियाँ के पास है, प्रेम के अलग अलग अवस्था है, प्रेम स्नेह मन प्रणय राग, तो गोप के पास तो राग तक है प्रेम की अवस्था, इसके बाद अनुराग और नंद बाबा यशोदमा भी यहाँ तक है, इसके बाद अनुराग भाव महाभाव सिर्फ गोपियों के पास है, इसलिए उनसे मिलना चाहता है। तो चले जाते हैं और वहाँ पर राधा कुंड पे पहुँचता है दोपहर के समय, ये माध्यान्ह लीला है। और राधा कुंड पे उनकी लीला है, जाल क्रीड़ा है राधा कुंड श्याम कुंड में, और वहाँ पर भी एक झूलन भी है झूलन लीला, और अलग अलग खेल है वहाँ पर। और तत्पश्चात तो लगभग 3 घंटे के बाद तो फिर से गोप के पास पहुँचता है, और ये अपराह्न लीला 3:36 से 6 बजे तक, और इसके बाद देखता है कि कभी के गाय ज़्यादा दूर से चले गए हैं, तो 9 लाख गाय है, उनके सब उनके नाम है हमसी श्यामला इत्यादि जो भी है, तो क्या अपराह्न लीला 3:36 से 6 बजे तक
तो सब 9 लाख गाय के नाम को मालूम है कृष्ण को, सबके मालूम है, भगवान ही है। और जब देखते कि क्यों एक गाय दूर अभी वहाँ पर ना है दूसरे के साथ, तो नाम पुकारते हुए उनको बुलाते हैं और वामसी बजाते हुए उनको बुलाता है गाय को, वापिस आ जाते हैं। जब कृष्ण के वेणुनाद का आवाज सुनती है या कृष्ण के नाम उच्चारण करते हैं तो सुनते हैं, तो तुरंत आ जाते हैं, इसके बाद सब वापिस आ जाता है। और तो यशोदा माँ, नंद बाबा, सब दूसरे गोपियाँ कृष्ण के, बलराम के और सबके इंतजार कर रहे हैं। और जब वापिस आ जाता है तो यशोदा माँ तुरंत कहते हैं कि अभी फिर से नहाना है। तो लीला के अनुसार जब वापिस आ जाता है तो कि खेल रहा है पूरा दिन, मिट्टियों के ऊपर आ जाता है तो स्नान लेना फिर से और दूसरे वस्त्र पहनता है। इसलिए प्रभुपाद भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलस में और नए वृंदावन में, ये बड़े मंदिर थे 3, तो उसी समय भी स्थापित किए थे ठाकुर जी के वस्त्र बदलना है उसी समय। यहाँ आरती के बाद, ये वैकालिक आरती के बाद 4:30 के बाद दूसरे वस्त्र अर्पण कर रहे थे और नया माला अर्पण कर रहे थे। और तत्पश्चात 6 बजे से 8:24 तक शयन लीला है। और तो स्नान करके इसके बाद तो थोड़ा सा गौशाल में जाता है, तो दूध निकालने के लिए, और इसके बाद प्रसाद पाता है नंद बाबा भी और एक दो मित्र यार, नंद बाबा के भाई आ जाता है और रोहिणी बनाती है कुछ और यशोदा माँ भी कुछ बनाती है और श्रीमती रानी शाम के समय नाय आ जाती है, लेकिन घर पे कुछ बनाती है और एक गोपी के माध्यम से तो कुछ बेचती है। और इसके बाद तो ये प्रदोष लीला है 8:24 से 10:48 तक प्रदोष लीला है। तो प्रसाद पाने के बाद तो वहाँ पर कलाकार है, कुछ प्रस्तुत कर रहा है नृत्य या शास्त्र से कुछ कहनाएँ कहानियाँ सुनाते हैं, वो मजा कर रहा है, मजा करने वाला है। तो इसमें अनंत अनुभव करता है, तो कृष्ण के लिए कर रहा है सब कुछ। और दूसरे भी वहाँ पर कृष्ण के मित्र कोई है और नंद बाबा के भाई या मित्र है। और लेकिन इसके बाद लगभग 9:30 यशोदा माँ कहती है अभी सोने के समय है, अभी आओ सो जाना। लेकिन कृष्ण कहते अभी तो थोड़ा सा और, हाँ मैं तो थके हुए नहीं हूँ। और माँ से कहते हैं कि कहानी सुनाओ, और यशोदा माँ कुछ जो उन्होंने सुन लिया है वहाँ पर के ब्राह्मण से या शास्त्र से कृष्ण को सुनाती है, जैसे निशृंग भगवान के बारे में। तो पढ़ती है निशृंग दे ये हिरण्यकशिपु राजा थे, उनके पुत्र था प्रहलाद जो भक्त है। तो पढ़ती है इसके बाद
हिरण्यकशिप को मार डालने के प्रयास किए थे, वो कृष्ण सुनता है, इसका बल वहाँ पर पहुँचती है और हिरण्यकशिप पूछता है कृष्ण से, ये प्रहलाद से, अच्छा तुम्हारे भगवान तुम कहते हो कि सर्वव्यापी है, और प्रहलाद कहते हाँ सर्वव्यापी है, हमारे दिल में है, आपके दिल में है। और हिरण्यकशिप तो बोलते नहीं मेरे दिल में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं, भगवान कौन है ना, नहीं नहीं तो है सर्वव्यापी। अच्छा कंबे में भी है, हाँ कंबे में भी है, अच्छा। और पड़ती है तलवार निकलता है और कंब तोड़ देता है, तो पड़ती है ना यशोदा माँ। और इसके बाद कृष्णा उठ जाता है और आवाज लगे जैसे नृसिंहदेव, और ये सोचती है ये तो उनको कैसे मालूम है कि नृसिंहदेव क्या कि तो प्रकट हो जाता है, लेकिन इसके बाद योग माई के प्रभाव से तो नींद आ जाते हैं और कहती है बहुत नींद आ रहा है या मुझे सो जाना है, और कृष्ण कहता है ठीक है मैं भी सो जाऊंगा। तो एक बार दूसरे बार भी ये रामचंद्र और रावण के बारे में सुनाती है, यहाँ पर पूछती है कि युद्ध के समय तो रावण है उनके 10 शेर है और दूसरे शायद रामचंद्र भगवान है, और तो पढ़ती है। इसके बाद तो वहाँ पर रामचंद्र तैयार है युद्ध करने के लिए, तो पढ़ती है और कृष्ण उठ जाता है और बलराम से कहने लगे लक्ष्मण मेरे धनुष और तीर लेकर आओ। और ये सोचिए किसी को मालूम है, कभी सुना ही ना है, तो नहीं तो है ना, तो भगवान ही है कृष्णा। तो ये सुंदर लीला है, कृष्णा की अद्भुत लीला है। तो ये सब श्रवण करते हुए जब भक्त जप कर रहा है और सेवा कर रहा है तो मन में आ जाता है तो अच्छा तरह से सेवा होगा, इसलिए अच्छा तरह से भजन करना है, भगवत श्रवण करना है, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। तो इसके बाद सब सो जाता है लगभग 10 बजे, और यशोदा माँ भी नंद बाबा वहाँ पर भी चौकीदार है, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको भी मालूम है चौकीदार काम कर रहा है दिन में तुरज और पैसा मिलने के लिए, रात को भी सेवा करे चौकीदार के रूप में, लेकिन सब सो जाता है लगभग। पोपट के समय ये ना गांधी है यहाँ पर क्यों, क्योंकि तो क्या समय है तो दिखाने के लिए, लेकिन प्रभुपाद तो ये भी देखना चाहते थे कि चौकीदार ना सोता है रात को, और प्रभुपाद कभी कभी 12 बजे तक अनुवाद भी करते थे ये भगवतम के हिंदी या संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में, तो ये सुनते थे 11 बजे चौकीदार अगर जगे हुए हैं तो सुनता है 11 बार, एक बार 12 बजे आवाज़ नहीं सुना घंटी के, तो उनके सेवक जो उसी समय थे अभी यहाँ पर है शुद्ध कीर्ति प्रभु, उनको जाया ए प्रभु शुद्ध कीर्ति प्रभु उतो उतो, हाँ प्रभुपद क्या हो गया, प्रभुपद कहता है ये चौकीदार सो रहा है वहाँ पर जाओ, और देखे सोते हैं सोते हुए हैं, उनको जगाए अभी घंटी बजाना है 12 बज गया तो जल्दी किया है। तो वैसे ही ब्रज में रह तो वहाँ पर भी चौकीदार सो जाता है योग माया के प्रभाव से। तो कृष्ण निकलता है निकुंज लील के लिए तत्पर है, और राधा रानी भी निकल गए और कहे पर गोवर्धन पे और वंशीपत पे आ जाते हैं। तो ये रात्रि लीला है 10:48 तक 3:36 तक रात्रि लीला। तो निकुंज लीला है या रस लीला है तो लगभग 1-1.5 बजे तक, इसके बाद थोड़ा सा सो जाता है 1.5-2 घंटे के लिए।
लेकिन मंदिर में तो शाइन सेवा तो लगभग 9:45 है, इसके बाद तो सब ब्रह्मचारी सो जाता है। लेकिन है ना, भाव में तो रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है ठाकुर जी की शाइन सेवा हो गया है, लेकिन कृष्ण और राधा निकल जाएंगे लीला के लिए जाएंगे, तो भाव तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो प्रवेश करना है ना, गोलोक वृंदावन तो जाना है, लीला में प्रवेश करना है। इसे शुद्ध वैष्णव जब शरीर छोड़ता है, जब कोई गुरुजान हो जो आगे वैष्णव, तो उसी समय कहते हैं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्ता, नित्य लीला प्रवेश, नित्य लीला में प्रवेश किया है। लेकिन प्रभुपाद तो हमेशा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य उच्चारण करते थे, क्यों? क्योंकि तो ये तो नित्य सिद्ध परिकार हमेशा लीला में है, और यहाँ पर आ जाते किसके लिए? प्रचार करने के लिए, हमारे हित के लिए है, भद्र जीव के हित के लिए है। ऐसा ना है कि शरीर छोड़ दिया अभी नित्य लीला में प्रवेश किया, पहले से तो है, हमेशा वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए। और यहाँ पर से कहाँ पर जाता है शरीर छोड़ने के लिए? जिसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद दूसरे ब्रह्मांड में गया प्रचार करने के लिए, जिसे महाप्रभु कृष्णा अलग अलग ब्रह्मांड में चले जाता है, उनके लीलाए प्रकट हो रहे हैं, तो उसी समय भी बाहर में तो आ जाता है सब गुरुजान प्रचार करने के लिए, बद्ध जीव के हित के लिए। तो कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। गांठ वाला कपड़ा बांध के नहीं जाते हैं। क्या है? नॉट वाला जो कपड़ा। अच्छा, सिले हुए कपड़े। यह है कि जो जब भगवान के सामने है तो सरल विधि से उनके सामने तो होना चाहिए, विशेष करके जो घनिष्ठ सेवा कर रहा है उसी समय सिर्फ दो कपड़े हैं, धोती और चादर, या दक्षिण भारत में उनके लुंगी है कभी कभी और चादर है, दो वस्त्र है सेवा करने के लिए, और वैसे ही सन्यासी के भी दो वस्त्र है। ये सन्यासी के या बाबा जी के, और तो मतलब ये है कि भगवान तो सारा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, और जो ये मेरा कर्तव्य है कि उनको सजाना है ठाकुर जी को, उनको भोग अर्पण करना है, और लेकिन हम सरल विधि में रहना चाहिए, तो वस्त्र सरल होने चाहिए, जिससे इसमें भी उल्लेख किया है कि जो ठाकुर जी के सामने जो उज्जवल कपड़ा नहीं पहना है, जिसे लाल कपड़ा टी शर्ट हो और नीला रंग के, क्योंकि ठाकुर जी तो उज्ज्वल तो है, लेकिन फिर भी उनके जब उनकी सेवा होता है ऐश्वर्यपूर्ण सेवा होता है, लेकिन भक्त जो मंदिर में जाता है सरल विधि से जाना है, विदम्र भाव में रहना है, कपड़े भी सरल होने चाहिए, रंगीन कपड़े नहीं होने चाहिए, बड़ा बोर वाला कपड़े नहीं चाहिए सेवा में। तो सिर्फ दक्षिण भारत में थोड़ा सा उनके ये प्रथा है कि ये ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा सा सुंदर धोती, लेकिन गौरी वैष्णव संप्रदाय में नहीं है, तो दो कपड़े पहनते हैं, जिससे दक्षिण भारत में भी, लेकिन वहाँ पर भी ऊपर ना आए तो कपड़े जो कमर पे लगाता है चादर ऊपर ना आए, मतलब ये कहने के हम तो हम तुच्छ, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लगभग नंगे हैं, इस भाव में भी विदम्बर भाव में रहते हुए सेवा कर सकता है, करना है। और इसलिए मंदिर में दक्षिण भारत में बाहर के लोग भी, जिसे जब मैं गाया वहाँ पर दक्षिण भारत 30 साल से पहले, अभी काफ़ी सालों से नहीं गाया, तो कोई मंदिर में भी कुर्ता नहीं पहन सकता है, सिर्फ धोती या लोंगी और चादर,
और वहाँ पर लगाना है वो कमर में बांधते हैं, कमर में बांधता है, मतलब समझना चाहिए लोगों को कि हम कुछ नहीं है, हम तुच्छा है, हम भगवान के दास है, भगवान की सेवा करना है और हम तुच्छा है। और इसी जैसे सोने के माला ऐसे करके और कुंडल सोने के पहना तो भगवान के सामने उचित नहीं है, इसलिए दो कपड़े, ये कारण है सरल विधियों के पास रहना है। सबसे पहले कपड़ा, इसके बाद भावना में भी विनम्र भाव में रहना चाहिए और उनके गुणगान करना चाहिए, ये है। इसलिए तो ये नियम है कि ऐसा करते हुए सेवा करना है और ऐसा करते हुए वास्तव में भी मंदिर में जाना है, लेकिन इतना कठोर नियम नहीं है कि जो दर्शन में आ जाता है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, पहन सकते, लेकिन जब सेवक के लिए जाएंगे तो ये नहीं पहन सकता है, सिर्फ दो वस्त्र, धोती और चादर। ब्राह्मण के पास हमेशा चादर है, ये ब्राह्मण है कोई यहाँ पर दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित सबके पास चादर कहाँ है, होना चाहिए, ब्राह्मण के पास हमेशा चादर होने चाहिए, ये वास्तविक ब्राह्मण उनके कपड़े हैं धोती और चादर। ठीक है, अभी थोड़ा सा ठंड है यहाँ पर, तो अभी एसी भी यहाँ पर चालू है तो कुर्ता भी पहन सकता है, लेकिन चादर जरूर होना चाहिए, ब्राह्मण के पास हमेशा चादर है, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करना है पुजारी को या पुरोहित को, तो इसके लिए तो ये जो सिले हुए कपड़े जो है कुर्ता निकलना पड़ेगा और धोती और चादर पहन के सेवा करना है। और इसके बाद दूसरे कारण भी है तो दान प्राप्त करना चाहिए, और दान में भी वस्तु में हाथ से नहीं देना और हाथ में नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो ये भी तो संस्कृति के अनुसार, अगर दान देता है ताली में देना है, एक ताली में छोटे से ताली या पतन में वस्त्र खाना फाल भी हो, सोने के मुद्रे या चांदी के पेपर मनी ना है, ऐसे करके अर्पण करना है, और थाली भी दे सकते या पात्र अगर, तो इसके बाद ये भी ऐसे ग्रहण करता है, इसमें रखता है जब दान मिलता है, इसके बाद इससे बनता है, ये है। हरे कृष्ण भी समाप्त करना है, प्रसाद के समय है, श्री प्रभुपाद की।